हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। लाइव वॉरहेड के साथ पहली बार टेस्ट हुई QRSAM मिसाइल। प्राइवेट कंपनी को मिला इंडियन आर्मी टैंक्स के लिए एम्यूनेशन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट। क्या लद्दाख में वाकई में चीन ने इस्तेमाल किए थे इंडियन आर्मी के खिलाफ लेजर वेपन्स? मालाबार एक्सरसाइज के दूसरे फेज में नजर आई इंडियन नेवी की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। और चीन और पाकिस्तान की CPEC योजना में आई रुकावट। आज चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से DRDO द्वारा QRSAM मिसाइल का एक और सफल परीक्षण आयोजित किया गया है और इस सीरीज में ये इस मिसाइल का दूसरा परीक्षण है। और आज के इस परीक्षण में भी ये मिसाइल सिस्टम एक हाई परफॉर्मेंस जेट अनमैन्ड एरियल टारगेट के खिलाफ टेस्ट किया गया है। और इस परीक्षण के दौरान रडार्स ने टारगेट को काफी लंबी दूरी से एक्वायर किया और उस टारगेट को तब तक ट्रैक किया जब तक कि मिशन कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली मिसाइल को लॉन्च नहीं किया। और टारगेट तक पहुंचने के लिए मिसाइल को गाइडेंस प्रोवाइड कराई गई थी रडार डेटा लिंक के माध्यम से। और आज का ये फ्लाइट टेस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ किया गया था और जिसमें लॉन्चर, फुली ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सर्विलियंस सिस्टम और मल्टी फंक्शन रडार्स भी शामिल थी। और इस मिसाइल सिस्टम ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक पूरा किया और ये टेस्ट इंडियन आर्मी की मौजूदगी में भी किया गया था। और जबकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जिनके मुताबिक आज जो एक QRSAM मिसाइल का टेस्ट हुआ है ये लाइव वॉरहेड के साथ हुआ था, जो कि इस तरीके का इस मिसाइल का पहला टेस्ट है। और जबकि इससे पहले इसी मिसाइल सिस्टम को अभी 13 नवंबर को भी टेस्ट किया गया है। और आज के इस टेस्ट में जो टारगेट इस्तेमाल हुआ था उस टारगेट का नाम है बंसी, जो कि एक पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है। इंडियन आर्मी के T-72 और T-90 टैंक्स के लिए APU सिस्टम यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद अब इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी ऑशोकॉर्प ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को इंडियन आर्मी से उनके टैंक्स के लिए 125 mm के APFSDS टैंक एम्यूनेशन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल हुआ है। और इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत है करीब 2300 करोड़ रुपए। और ऑशोकॉर्प ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के CEO का कहना है कि जो 125 mm का APFSDS एम्यूनेशन वो सप्लाई करेंगे उसकी जो DOP होगी यानी कि डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन वो कम से कम 530 mm तक आएगी, ताकि हम इस एम्यूनेशन की घातकता को बढ़ाए जाने के साथ साथ इसमें सेफ्टी को भी ध्यान में रख सकें। और उनके मुताबिक उन्होंने एक इम्प्रूव APFSDS एम्यूनेशन को डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है, क्योंकि आज के समय में ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हो गई हैं जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के प्रोडक्शन लेवल को काफी हद तक बढ़ाती हैं। तो ऐसे में दुश्मन के आर्मर्ड व्हीकल्स के प्रोडक्शन लेवल को डिफीट करने के लिए हमने इस APFSDS एम्यूनेशन में कुछ और इम्प्रूवमेंट किए हैं। और उनके मुताबिक उनका एम्यूनेशन इंडियन आर्मी के टैंक्स के मौजूदा बैरल से फायर किए जा सकते हैं। और बता दें कि जो एम्यूनेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट है इसके तहत ये कंपनी इंडियन आर्मी टैंक्स के लिए करीब 85,000 APFSDS एम्यूनेशन को सप्लाई करेगी। अभी हाल ही में एक TV प्रोग्राम में चाइना के एक प्रोफेसर ने दावा किया है कि जब अगस्त के महीने में इंडियन सोल्जर्स ने पैंगोंग लेक के दक्षिण में स्थित कैलाश रेंजेस के कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर कब्जा किया था, तो फिर उस समय कन्वेंशनल वेपन्स का इस्तेमाल न कर पाने के कारण चाइनीज मिलिट्री ने इंडियन सोल्जर्स के खिलाफ एक हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स को काफी इनोवेटिव तरीके से इस्तेमाल किया था। और उनका दावा है कि इस दौरान चाइनीज मिलिट्री ने पहाड़ियों पर बैठे इंडियन सोल्जर्स के खिलाफ पहाड़ी के बेस से माइक्रोवेव्स को एमिट किया था और पहाड़ी की उस चोटी को एक ओवन में कन्वर्ट कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप इंडियन सोल्जर्स ने जो अपनी मजबूत पोजीशन वहाँ पे बनाई थी वहाँ से वे बहुत तेजी से पीछे हट गए थे। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि लद्दाख में अगस्त के महीने में, और अगर इसे और भी सटीक तरीके से कहें तो 29 और 30 अगस्त वाले दिन जब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बेहद ही खास ऑपरेशन में कैलाश रेंजेस की महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर कब्जा किया था, तो उस दौरान चाइनीज मिलिट्री ने इनडायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया, जिसके इस्तेमाल होने के 15 मिनट के अंदर ही उन पहाड़ियों पर मौजूद इंडियन सोल्जर्स वॉमिट करने लगे थे और यहाँ तक कि वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और उनका यह भी कहना है कि हम इस बात को पहले सार्वजनिक तौर पर इसलिए सामने नहीं लाए थे क्योंकि हम इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहते थे। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने माइक्रोवेव वेपन से पूर्वी लद्दाख की उन पहाड़ियों को एक माइक्रोवेव की तरह गर्म कर दिया था जिनको इंडियन आर्मी सोल्जर्स ने ऑक्यूपाई किया था। लेकिन आपको बता दें कि इंडियन आर्मी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि जो ये चीन की तरफ से लेजर वेपन या फिर ये माइक्रोवेव वेपन इस्तेमाल करने वाली रिपोर्ट सामने आई है ये सरासर फेक है। और जिसमें ये भी दावा किया जा रहा है कि अगस्त के महीने में कैलाश रेंजेस की पहाड़ियों पर जो विवाद हुआ था उस समय चाइनीज मिलिट्री ने यहाँ की दो हिल टॉप्स को माइक्रोवेव में कन्वर्ट कर दिया था, तो ये रिपोर्ट भी बिल्कुल गलत है। और वैसे हमारे ओपिनियन में भी हमें ये रिपोर्ट देखकर तो यही लग रहा है कि जो चाइना की प्रोपेगेंडा स्पेशल फोर्स है वो अपनी दीपावली की छुट्टियां मना के वापस आ गई हैं और वापस से प्रोपेगेंडा फैलाने वाले काम पर लग गई हैं।
क्योंकि आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि पैंगोंग लेक के दक्षिण में जिन महत्वपूर्ण पहाड़ियों पर इंडियन आर्मी का कब्जा है, उस पोजीशन पर होने की वजह से भारत को चीन के ऊपर एक बहुत अच्छी बढ़त मिलती है। और यही कारण भी है कि चीन की तरफ से इस बात पे सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि अगर पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट होगी तो सबसे पहले पैंगोंग लेक के साउदर्न बैंक की पहाड़ियों पर जो इंडियन आर्मी सोल्जर्स मौजूद हैं उन्हें वहां से हटना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इंडियन आर्मी सोल्जर्स वहां पे रहेंगे तब तक चीन अपनी विस्तारवादी वाली योजना पर काम नहीं कर सकता है। हालांकि चीन के जो माइक्रोवेव वेपन्स हैं इनको लेकर पहले भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें ये बताया जाता है कि चाइना की कुछ बड़ी वॉरशिप्स में इस तरह के वेपन्स इस्तेमाल होते हैं जो कि मुख्य रूप से डिफेंस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और वैसे हम तो चीन से ये कहना चाहेंगे कि उनके पास अगर इस तरीके का एडवांस माइक्रोवेव वेपन है जिससे वो पूर्वी लद्दाख की पहाड़ियों को एक माइक्रोवेव ओवन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, फिर तो हमारे हिसाब से इस वेपन के इस्तेमाल मुख्य रूप से चीन को पूर्वी लद्दाख के उन हिस्सों पर करना चाहिए जहाँ पे चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स तैनात हैं, क्योंकि ठंडे में उनकी हालत वैसी हो रखी है जैसे कि 1971 में निकम में पड़ोसी की हुई थी। आज मंगलवार से नॉर्दर्न अरेबियन सी पर मालाबार एक्सरसाइज के सेकंड फेज की शुरुआत हो चुकी है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवी शामिल हुई हैं। और इस मालाबार एक्सरसाइज के फेज 2 के पहले दिन की कुछ बेहतरीन तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS खंडेरी के साथ अमेरिका का सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमिट्ज़ भी दिखाई दिया है। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि L&T की तरफ से इसरो के पहले मैन स्पेस मिशन गगनयान के लिए एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट को उसके शेड्यूल टाइम से पहले ही डिलीवर कर दिया गया है। और ये कंपोनेंट गगनयान मिशन के GSLV Mark III के बूस्टर सेगमेंट का है जिसका नाम है S-200 और ये एक सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर है और इस समय से पहले जीरो डिफेक्ट के साथ इसरो को डिलीवर किया गया है। जहां एक तरफ निकम में पड़ोसी की तरफ से ये दावा किया गया है कि भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में एक सेल स्थापित किया है और वो सेल पाकिस्तान और चीन की CPEC परियोजना में बाधा डाल रहा है, और जबकि प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह भी दावा किया था कि भारत पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इस मामले में पाकिस्तान के पास कई सारे सबूत भी मौजूद हैं। हालांकि इसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस दावे को खारिज कर दिया गया था और जो उन्होंने सबूत होने वाली बात कही थी उसको लेकर भारत का यह कहना था कि वो सबूत केवल पाकिस्तान की कल्पना में है। हालांकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए इस आरोप पर चीन बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन चीन के विदेश मंत्री ने हाल ही में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये कहा कि चाइना हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ रीजनल कंट्रीज से भी आग्रह करता है कि आतंकवाद से लड़ने में वे अपना सहयोग प्रदान करें। लेकिन इसी के साथ अब कुछ ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई हैं जिसके मुताबिक चाइनीज वायरस पैंडेमिक के बाद चीन ने कुछ ऐसी परियोजनाओं को होल्ड कर दिया है जो कि उनकी और पाकिस्तान की CPEC परियोजना का हिस्सा है। यानी कि पाकिस्तान जो ये आरोप लगा रहा है कि उनकी CPEC परियोजना पर बाधा डालने के लिए भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक खास तरह का सेल स्थापित किया है, उसे पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसकी जो CPEC परियोजना है क्या वो आगे बढ़ेगी भी या नहीं, क्योंकि हमें तो नहीं लगता है कि चीन लंबे समय तक पाकिस्तान को यूं ही लोन देता रहेगा। कल के जो हमारे top 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।